राजा घुस घुस राजा। तो हेलो दोस्तों, प्रणाम जी, क्या हाल है जी आप सभी के? एकदम मस्त होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो पहाड़ों में मतलब सुकून वाली जगहों में, और आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं और आपको ऐसी जगह एक्सप्लोर कराने वाले हैं जो कि उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। फिलहाल तो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है हमारे गाँव से। हमारे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं आज, जैसे कि हमारे भैया जी, छोटे भाई लोग और सब लोग हैं। हम कुल मिला के हम 8-9 लोग, तो उन सभी मिलाएंगे आपको, उनका परिचय देंगे आगे। भैया गाड़ी साफ करने वाले भी हमारे आ चुके हैं, पर हमारे छोटे भाई, इनका नाम है अर्जुन सिंह। हाँ ये देखो, बॉडी बिल्डर भी हैं ये। एक भाई साहब हमारे, इनको तो आप जानते होंगे, प्रभात बिष्ट, काफ़ी दिनों बाद हमारे ब्लॉग में आपके दर्शन हुए। तो बाकी लोगों का परिचय हम आपको कराएंगे आगे, तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं आगे। चलते हैं दोस्तों, वहीं मिलेंगे आपको बदानगढ़ी में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीना तोली में। यहाँ पर से होता है पैदल यात्रा स्टार्ट, और हमारी पूरी गैंग तैयार है। यहाँ पर इधर वाला रास्ता जाता है, ये अंग्यारी महादेव के लिए जाता है। हम जाने वाले हैं माँ बदानगढ़ी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप जूस पीने के बहुत इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर से जूस ले सकते हैं बुरांस का, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हर प्रकार के जूस भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पैदल मार्ग शुरू होने वाला है, तो आप वो काफ़ी मज़ेदार है। कुछ खूबसूरत सीन्स आप देखेंगे हमारे साथ, और ये हमारे बड़े भाई शाह जी और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। और प्रभात सिंह से हमने आपको इससे पहले मिला दिया था। आज हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। जी बिल्कुल, और ये हमारे वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो चलिए फिर आज आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं और खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। क्यों भाई साहब? और अभी हम हैं बीना तोली के जस्ट ऊपर पे, और हमारे साथ देखिए आगे ये है सैलू भैया, हाई कर दीजिए आप। और ये विनय भाई हमारे, और ये पीछे राजू भैया, अरे राजा हाथ हिला दे, ये राजा है, ये रोहित है, बाकी आगे एक दो बंदे और हैं, उनसे भी मिलाएंगे। तो दोस्तों, जो सीढ़ियां हैं यहाँ की, तो ये बहुत सारी सीढ़ियां हैं माता रानी के दरबार में पहुंचने तक के लिए। लगभग यहाँ से 800 सीढ़ियां हैं जो हमें चढ़नी पड़ती है, फिर माता रानी के दर्शन होते हैं। तो चलते हैं आगे और मिलते हैं आगे आप। पहला भी नहीं तो पैर दो पे वाले यार। ए लदा आज कति बैच छ लाज 500 सीढ़ी 500 सीढ़ी रे गिरेला आज कति बैच छ 500 ओ बेटा आज तो कति दूर छ गया वो पम्मू भी बहुत था गया यार पम था कुछ है हाँ? तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, फिर भी यार रास्ते में पॉलीथीन ना फेंके, मतलब स्वच्छता बनाए रखें, और हम बिल्कुल स्वच्छता बनाए रखेंगे। तो भैजी हूँ बहुत थकना चो बहुत है गया रही हूँ, मैं पानी पहन जाने पहुंच गए हम बदानगढ़ी 50% और है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये पत्थर है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी अगर कोई इस पत्थर पे, जो सामने बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, अगर यहाँ पर से कोई सा भी पत्थर उठा के उसमें फेंके, अगर अटक गया तो उसकी मन्नत पूरी होती है। नीचे वाला आइकन दिखाओ, ये वाईफाई वाला आइकन।
यहाँ पर इससे ना हॉटस्पॉट वाली वेव निकलती है, आप फोन चेक कर सकते हैं अपना, फ्री वाईफाई आएगा वहाँ पर। तो शाहजी ने यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए पत्थर फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 करोड़ दो करोड़ में तो मजे आ जाएंगे भैया। नहीं अटका मतलब नहीं आता अब 2 करोड़ पे। हाँ जो रास्ते हैं ना वो भी काफी मजेदार हैं। काफी मजेदार रास्ता है। अगर कुछ भी मन में दुविधा है तो वापस चल जाए। जय हो प्रभु, जय माँ बदांगली, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय हो। बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या खूबसूरत नजारे हैं देखने के लिए। वाह, तेरी जय जयकार मैया, तेरी जय जयकार। माता रानी के दरबार के जस्ट सामने पे हम पहुंच गए दादी। ये हमारी टीम सही पहुंच चुकी है आराम से। तो दादी आखिरकार पहुंच ही गए हम। हाँ, वहाँ प्राणगढ़ी की छाया में। हाँ बिल्कुल। जाओ दोस्तों, वो कहते हैं ना अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो तुम्हें मिल जाती है। तो फाइनली हम पहुंच ही गए हैं माता रानी के दरबार में और हमने कर लिए हैं माता रानी के दर्शन। तो दोस्तों, जो ये मंदिर है इसे दक्षिणेश्वरी काली माता के नाम से जाना जाता है और ये काली माता का मंदिर है जिसे कि यहाँ के लोग बदाण के नाम से बदाणगढ़ी मंदिर से इसे जानते हैं। और यह मंदिर समुद्र तल से 2260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले जब मैं इससे पहले आया था यहाँ तो ये पूरा फील्ड बना नहीं था और अब आगे आप सामने देख रहे होंगे कितना खूबसूरत यहाँ पर फील्ड बन चुका है। तो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर, जितने भी यहाँ छोटे बड़े मंदिर हैं। तो चले फिर एक अच्छे से सॉन्ग के साथ। फाइनली मंदिर में पहुंचे और यहाँ बहुत अच्छा सुकून मिला हमें, बैठ के बिल्कुल मजे आए। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर टॉप गढ़ी में, तो क्यों ना वहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारों से रूबरू करवाएं। मतलब ऊपर टॉप में जाके बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। आपको देखने को मिलेंगे पुराने किले और पुराने गुफाएँ और पूरा चमोली, गढ़वाल और कुमाऊँ का व्यू। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गढ़ी के टॉप में और यहाँ पर से हमको दिखेगा पूरा चारों तरफ का व्यू। बोले तो इधर साइड है पूरा कुमाऊं, सामने जो आपको दिख रहा है, और आगे है पूरा गढ़वाल। मतलब हमारा गांव इधर है, इधर साइड के लिए, पर अभी पूरा धंधे लगी है, बारिश का मौसम हो रखा है तो अभी हमको ढंग से साफ दिख नहीं पा रहा है। नीचे ये यहाँ पर से हम आए नीचे, जहाँ पर अभी हरे हरे मकान दिख रहे हैं, यहाँ है बीणा टोली। यहाँ पर तक आती है गाड़ी, बाकी यहाँ से आना पड़ता है पैदल 800 सीढ़ी चढ़ के, फिर आगे इधर साइड से मंदिर। और अभी हम हैं गढ़ी के टॉप में, तो यहाँ पर से काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करते हैं और यहाँ पर माता रानी की चुनरियाँ बांधी है सभी लोगों ने और काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए आगे। और बने रहे, हम आगे आपको भी दिखाएंगे।
तो भैया यहाँ पर चल रहा है फोटो शूट, और फोटो शूट हमारे छोटे अंग्रेज भाई कर रहे हैं जिनका नाम है रोहित सिंह मिस्त्री। ये आज इंग्लैंड से आ रखे हैं हमारे फोटोग्राफर अर्जुन सिंह कफोला, बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं ये रोहित सिंह के सामने। लाज तो है अरे भैया जी, ठंडे से बिल्कुल हालत खराब यहाँ, उन्होंने निकाल लिया सिंह की भी काफी हालत फर्स्ट। जय माता दी। तो दोस्तों ये खूबसूरत आपको चारों तरफ देखने के लिए बनाया गया है यहाँ पर हाल ही में कुछ लगभग यहाँ पर, ये ज़्यादा टाइम नहीं होगा इसको बने हुए, इसको और का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल और के होंगे, 8-10 साल भी नहीं होंगे इसको बने हुए, हाँ 5-6 साल बने हुए इसको हुए हैं। और बाकी ये तो बहुत पहले से है ये वाला, यहाँ पर से मतलब पूरा दिखता आपको पूरे नज़ारे। और अभी हमें गाड़ी के टॉप में बिल्कुल मजे लेते हुए, तो भैया अभी चल रही है यहाँ पर पार्टी, अखबार बना रहे हो ना पास पकड़, इधर भी पास कर। और आगे हमको मिलेगा गुफा, और आगे गुफा मिलेंगे हमको जो कि बहुत पुराने हैं, और जो ये पुराने यहाँ पर किले भी हुए हुआ करते थे राजू भैया, ये देखिए पुराने सेब हैं यहाँ पर, लेकिन अब बिल्कुल ढह ढू के ऊपर से घास जम चुकी है, पेड़ जम चुके हैं। तो यहाँ पर महादेव का मंदिर है और इसे जस्ट आगे आप आगे आओ ये, तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर आपको और देखने को मिलेगा। जय हो। और आगे आगे चलेंगे घने जंगलों के बीच से। तो भैया यहाँ देखने को मिला हमें एक गुफा, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से सीधे कुलसारी निकलता है, बल चेकिंग करेंगे बीजी, और राजा यहाँ से अंदर घुसेंगे आज। राजा घुसे कितना, राजा घुस घुस राजा, अरे बिना आगे जा रहा बंद हो गया। आगे से बहुत पतली गुफा है तो अंदर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो हम अंदर जाएंगे नहीं, आ जाएंगे बाहर। अब चलते हैं नीचे के लिए मंदिर पे। तो दोस्तों मैं गुफा के अंदर तो चले जाता, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है तो इसलिए मैं अंदर नहीं गया। गर्मियों का मौसम है और हमने यहाँ पहनी है स्वेटर, तो बिल्कुल ये मौसम यहाँ सदा बाहर ठंडियों वाला रहता है, क्योंकि यहाँ बांज के पेड़ और बुरांस के पेड़ और काफ़ी खूबसूरत यहाँ मौसम रहता है हमेशा। और मंदिर के जस्ट ये पास पर हम फिर से, ये देखिए फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो भैया बारिश भी आ चुकी है, अब थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पर बैठ के, उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो भैया यहाँ आके इतना सुकून मिला, और साथ में हमें ठंडे साथ में चाय मिली, वो भी बिना मांगे, पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुत्ता कितना क्यूट है, इला आजा, ये कालू है, कालू आजा कालू, इस कालों को आप मिलेंगे अगर आपको यहाँ घूमने आते हैं तो। आप चलते हैं घर की ओर, दरअसल अब हम भी जाने वाले हैं, अब हमारी पूजा हो गई है खत्म, अब हम निकल रहे हैं गांव की साइड को। बिल्कुल माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, और आप लोगों को हमने जितना हो सकता था हमसे उतना हमने आपको माता रानी के दर्शन कराए। तो फिलहाल चलते हैं घर और खाते हैं घर जाके, अन्य भी आके दुड़गुना की पार्टी पार्टी, तो चलिए फिर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में, बिनय की सगाई की व्लॉग।